प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। पिताजी को पीटा है, जून में उनकी खेती जलाई है, मतलब पूरी तरह से परिवार को प्रताड़ित किया है और उसके बाद ये सब कुछ हुआ है। जिस तरह पिता ने जो है मुकदमा पहले दर्ज कराया था, जिसमें दो लोगों को आरोपी बनाया था, जिसमें एक की गिरफ्तारी हुई, एक की नहीं हुई, क्या लगता है जिला प्रशासन सरकार के दबाव में नहीं किया? देखिए, ये प्रधान जो है, मैंने सुना है कि ये भाजपा से जुड़े हुए प्रधान है, वो आप लोग पता कर सकते हैं। हो सकता है कि इनकी किसी तरह से रक्षा हो रही है। पहले हमने देखा है कि बड़े बड़े आरोपी रहे हैं, उनकी रक्षा की गई है। अब मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि देखिए, हर रोज ये मामले हो रहे हैं। जिस तरह का ये मामला है, क्या इसको राजनीतिक मामला न बनाते हुए, प्रशासन को, शासन को ये ध्यान देना पड़ेगा कि ये क्यों हो रहा है, रोज रोज क्यों हो रहा है। क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में अपराधी का उसके दिल में कोई भय नहीं है। सफदरजंग के डॉक्टरों की कोशिश के बाद भी उसकी जान नहीं बच पाई। ये हमारे लिए, जो आज के समय पर हम जो लोग समाज में रह रहे हैं, हमारे लिए ये काला दिवस है कि एक बेटी जो न्याय मांग रही थी, हमसे न्याय नहीं दे पा रही।